हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनीश और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम लाइफ। आज बर्थडे सेलिब्रेट करने हम पहुंचे हैं बर्ड पार्क चंडीगढ़। सेलिब्रेशन तो खैर हो चुकी थी लेकिन मैडम ने कहा कि कहीं घुमाने ले चलो, तो पहुंचे हैं हम बर्ड पार्क चंडीगढ़। ये टिकट यहाँ की 50 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप लोग चाहो कि बर्ड्स को हाथ में पकड़ना है तो उसके 100 रुपये चार्ज हैं अडल्ट के लिए पर पर्सन। तो चलिए घुमाते हैं आपको चंडीगढ़ बर्ड पार्क। दोस्तों टिकट जो हैं ये आप लोग टिकट काउंटर से कलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल एंट्री पे ही है ये, और टिकट को फेंकना मत। दोस्तों वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लव बर्ड्स और साथ ही में दिखाएंगे आपको पक्षियों को कैसे हाथ में बिठा के खाना खिलाया जाता है, और साथ में दिखाएंगे वाटरफॉल और भी बहुत सारी चीज़ें। बस बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। कूलर भी अवेलेबल है यहाँ पे, मीन्स ठंडा पानी मिलेगा, पानी की बोतल साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। पक्षियों की चहचहाट की हल्की हल्की आवाज़ जो है आनी शुरू हो चुकी है। नवग्रह वाटिका, वाह, पहले घुमा लेते हैं उसके बाद फोटोज लेते हैं यहाँ पर। मैं काफी सुंदर बनाया गया है, पूरा घूम लेना है क्या। तो चलें इससे आगे चलते हैं। ये है नवग्रह, क्यों बैठ नहीं सकता नहीं है। हाँ, इसको खाया है किसी ने तो दिख नहीं रहा। और अरे बाल जड़े हैं उसके, वो देखो ना, वो देखो उसकी भी नेक देखो ना, नेक उसकी भी ऐसी ही है, नेक इन कैसे ऐसा नहीं है। आई थिंक सी वॉज राइट, कुछ तो प्रॉब्लम थी इन बर्ड्स के साथ में, हल्के हल्के जख्म दिख रहे थे, जब जूम करके देखा गया तो जख्म थे। और मैडम बहुत थक चुकी हैं, जी हाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आपको यही 3, 3:30, 4 बजे के आसपास यहाँ आना चाहिए। हट्स बनी है बैठने के लिए, ये कौन सा ग्रह पार्क है अब, नक्षत्र वाटिका।
चलो एंट्री के लिए गेट्स होंगी। जैसा कि पढ़ा आपने कि टोटल 27 नक्षत्र है, तो जैसे ये कृतिका हो गया और इसके आगे काफ़ी सारे नक्षत्र हैं लाइक अर्धरा, पीयूषा, अशीषा, मेघा, पूर्वा, हस्ता, चित्रा, इसी हिसाब से टोटल ये 27 नक्षत्र बने हैं इस पार्क में। तो माली काम करते हुए अच्छा रोजगार मिला है लोगों को, स्थानीय लोगों को यहाँ पे। ये सब माली का काम करते हुए तो काफ़ी सुंदर ये जो बर्ड पार्क है बनाया गया है। बर्ड का जो मेन अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, आई थिंक जो मेन बर्ड पार्क है ये जस्ट स्टार्टिंग है। और दोस्तों इस नक्षत्र पार्क के जस्ट सामने ही बटरफ्लाइज का पार्क है, मीन्स इस पार्क में ढेर सारी बटरफ्लाइज आपको देखने को मिलेंगी। किस्मत अच्छी होगी तो आपके हाथों पर जरूर बैठेगी। मैडम ने काफ़ी ट्राई करा इनको अपने हाथ पे बिठाने का, लेकिन टैलेंट सिर्फ हमारे पास है तो हमारे तो हाथों पर बैठी है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे नहीं टैलेंट है। मैम इसे एक ट्रीट काउंट कीजिए, बर्थडे की ट्रीट ही समझिए जो हम आपको यहाँ घुमाने लाए हैं। जी नहीं, घुमाने मैं लेके आया हूँ जो भी राशि वाटिका। और ये अब कहीं जाके हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ बर्ड पार्क के एंट्री पॉइंट पे। अच्छा बनाया गया है गेट, तो अच्छा बना है ये। चलिए दोस्तों मिलते हैं इन बजीज से और जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। जैसा कि लिखा भी गया है कि ये काफ़ी पॉपुलर पेट्स हैं और इनके जो फीडर होते हैं 3000 फीडर होते हैं अराउंड, जो कि इनकी बॉडी को कवर करते हैं। दोस्तों ये बजीज जितने सुंदर देखने में लग रहे हैं, इनका लाइफ जो होती है वो भी 7 से 15 साल के बीच में होती है। बजीज के बाद नेक्स्ट जो हैं ये है हमारे लव बर्ड्स, जिनका कितनी देर से हम लोग वेट कर रहे थे। लव बर्ड्स बहुत ही सुंदर पक्षी हैं ये। ये देखिए एक पक्षी अंदर चला गया, सुंदर सुंदर इनके लिए घर बनाए गए हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगता है बाहर निकलते हुए ये। और ये अब एक चला गया बाहर और ये दूसरा चला गया अंदर। ओके, ये वेट कर रहा है कि दूसरा कहाँ चला गया। आई थिंक दीज आर कपल्स। वाओ बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। ये तो धोखा होता है दोस्तों ऐसा कि आपको कोई और पसंद हो और उस किसी और को कोई और पसंद हो, ऐसा ही कुछ इन पक्षियों में भी देखने को लग रहा है। दो तो लव बर्ड्स है लेकिन तीसरा भी आई थिंक प्यार करता है इसको, वो वाला पसंद है इसको। साइड वाला नाराज हो गया ना, इस साइड को फिर गया ना, नाराज हो गया, ये आ गया उठ के इधर। वाओ ये भी अच्छा कलर है।
और ये भाई साहब शायद इनको दाना डालने आए हैं और पुराना जो बच गया है उसको उठाने आए हैं। बहुत ही सुंदर लव बर्ड्स देखे थोड़ी देर पहले आप लोगों ने। इधर गया पता नहीं है। क्या है अंदर मैं नहीं बोलूंगा नहीं। अंदर चले घुमाते हैं। अरे जो लगा वो दिख रहा है पानी है बीच में हैं? तो जाने कहाँ से है? नहीं पानी भी छोड़ना जाना सर सर छोड़ा एनबी वाटरफॉल में वैसा बना देंगे ना। और मैडम घर वालों को वीडियो कॉल में दिखाते हुए बर्ड पार्क चंडीगढ़ को। दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग में ये बर्ड्स हैं उसके जो ये डोर्स हैं वहाँ पे जो पर्दे लगे हैं मेटल के लगे हैं काफ़ी हैवी हैं ताकि बर्ड्स वगैरह जो हैं उड़ के यहाँ से जा ना पाएँ। लेफ्ट साइड चलना है कहाँ से और इधर चलो लेफ्ट साइड इन ये
रतन टाटा का लोहा सारा यहीं लगा है। दोस्तों इस पार्क को बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी सुंदर लगता है ये देखने में। और जिस हिसाब से यहाँ पे फ्लावरिंग करी गई है, प्लांटिंग करी गई है, बहुत ही अच्छी प्लांटेशन करी गई है यहाँ पे। चलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी पक्षियों को इतने नज़दीक से नहीं देखा है, देखिए कैसे ये अपने पंजे से पकड़ के खाते हैं, बिल्कुल हाथों की तरह यूज करते हैं अपने पंजों को। एंट्री फी 100 रुपीज। ये किस चीज़ की? ओके ओके, स्टार्टिंग में जो हमने बताया था कि आप लोग पक्षियों को अपने हाथों में बिठा सकते हो, इसके 100 रुपीज अलग से चार्जेस हैं। ये वो पर्टिकुलर एरिया है, आप लोग भी इस तरीके से अपने हाथों पे इन बर्ड्स को बिठा के दाने खिला सकते हो। आई थिंक इतना ही कुछ था यहाँ पे देखने लायक। इसके आगे तो लेट्स सी। और इधर काम चला हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। और ये डस्टबिन, कहीं पे भी जाओ कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे काम चल रहा है अभी, ये यहाँ पे कैफे नहीं, कैफे तो नहीं है, शॉप टाइप है जिसमें कि बर्ड्स के फोटो फ्रेम्स वगैरह और प्रिंटेड मग्स वगैरह दिख रहे हैं, आप लोग शॉपिंग कर सकते हो यहाँ से। और ये है वुड कैफे, और इस सारी नहीं आ गई है बर्गर लेके।
दोस्तों भूख बहुत लगी थी, लेकिन जो बर्गर थे यहाँ के साइज़ में इतने बड़े हैं कि बता नहीं सकते। मतलब एक बर्गर फिनिश करना भी आफत वाला काम हो गया था। आई थिंक इनमें सोडा कुछ ज़्यादा डाला होगा, टेस्ट भी हल्का सा अलग था। वैसे टेस्टी थे लेकिन हल्का सा अलग था। जी हाँ, सेव वाटर सेव लाइफ, बहुत अच्छा पार्क है। एंट्री पे भी वाटर कूलर लगा है और एग्जिट पे भी वाटर कूलर लगा है। तो आई थिंक अब ये कंप्लीट हो चुका है, इतना ही है ये चंडीगढ़ का जो बर्ड पार्क है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हाँ जी मैम, आपको पसंद आया, अच्छा लगा? ओके। यहाँ की जो टाइमिंग है 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो दोस्तों ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। यह था व्यू चंडीगढ़ के बर्ड पार्क का। आई होप पसंद आया होगा आपको। एग्जिट यहाँ से। तो दोस्तों मिलेंगे किसी और ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। थैंक यू। और एक बार फिर से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।